नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं रूमेटिड अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द या जिसे हम गठिया के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों में ज्यादातर होती है। अगर हम बात करें इसके डायग्नोस की, तो इसका डायग्नोस करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे मैंने बताया कि ये बीमारी जब भी होगी जोड़ों में होती है, हाथों की उंगलियों में होगी, पैरों की उंगलियों में होगी, घुटने में होगी, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं उनमें ये दिक्कत होती है, और कहें कि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। जैसे कि ये हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स हैं, ये स्टिफ हो जाते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, और कई बार तो व्यक्ति को हाथ लगाने पर भी दर्द होता है, या जरा सा हाथ कहीं दीवार से ऐसे टच हो जाता है तो बहुत असहनीय पीड़ा होती है, बहुत जबरदस्त दर्द होता है। अगर हम इसके डायग्नोस की बात करें, जैसे आपने अभी समझा कि ये जॉइंट संबंधी दिक्कत है, ये हमारे हाथ है और हाथ की जो रिंग फिंगर है, यानी कि जो हमारे हाथ की फोर्थ फिंगर का सेकंड जॉइंट है, इसको हम इस प्रकार से दबाकर देखें और इस प्रकार से दबाकर देखें। जब हमें लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर के सेकंड जॉइंट में दर्द होता है, इसका मतलब हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई है। जब किसी को अर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है तो घुटनों में भी हो जाती है, घुटनों में जो फ्लूड होता है वो सूख जाता है, उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, और व्यक्ति को चलने में भी बहुत जबरदस्त परेशानी होती है। व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कहा जाता है कि आपका आर ए फैक्टर चेक करना पड़ेगा, यानी कि एक ऐसा टेस्ट है आर ए फैक्टर। अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, जब वो आर ए फैक्टर चेक कराता है तो वो अगर पॉजिटिव आता है तो रिपोर्ट के आधार पर कहा जाता है कि आपको आर ए फैक्टर पॉजिटिव आया, यानी कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई है, आपको गठिया हो गया है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर फैमिली हिस्ट्री रही है, यानी कि जेनेटिक रही है, पेरेंट्स को अगर ये दिक्कत रही है, तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में किसी बच्चे को भी ये दिक्कत हो सकती है। तो जेनेटिक एक बहुत बड़ा कारण होता है। जिनको भी ये दिक्कत होती है, ऐसे लोगों को वायु वाली चीज जो वो खाते हैं उनको बंद कर देना चाहिए, जैसे कि राजमा, छोले, कड़ी, उड़द की दाल, गोभी, अरबी, भिंडी, बटर, इनमें वायु की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और व्यक्ति जब इन चीजों को खाता है तो उसके दर्द बढ़ जाते हैं। तो इन चीजों को उसको अवॉइड करना चाहिए। दिन में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। और एक छोटी सी क्रिया मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है तो ट्रीटमेंट करने से पहले आपको केवल यह क्रिया करनी है, और आप देखेंगे कि केवल ब्रीदिंग क्रिया करने से आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी में बहुत आराम मिल सकता है। आप कहीं पर बैठ सकते हैं या खड़े खड़े भी आप कर सकते हैं। आपका यह हाथ है और दूसरे हाथ से आपको जितने भी जॉइंट्स हैं उनको इस प्रकार से आपको मूव करना है, ऐसे धीरे धीरे से आपको इस प्रकार से इनको मूव करना है, जितने भी बॉडी के अंदर जॉइंट्स हैं इस प्रकार से आपको करना है। कोहनी के जॉइंट्स, ये कंधे वाले जॉइंट्स, ऐसे ही पैरों की उंगलियां और घुटने के जॉइंट्स, इन सारे जॉइंट्स को आपको इस प्रकार से मूव करना है। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो दूसरे व्यक्ति से आप ये सब करवा सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रीदिंग क्रिया करनी है। देखेंगे करने का तरीका। नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और तेजी से मुंह खोलकर छोड़नी है। देखेंगे ऐसा एक बार में आपको 10 बार करना है, फिर एक मिनट गैप देना है, फिर आपको 10 बार करना है, यानी कि 10 बार किया, फिर एक मिनट का गैप दिया, फिर 10 बार किया, फिर एक मिनट गैप दिया, फिर 10 बार किया, यानी कि 10-10 के 10 से 15 राउंड आपको करने हैं। शुरू में आप 10 से 15 राउंड करें और रेगुलर करें। ऐसा नहीं कि आपने आज किया फिर कल नहीं किया, आपको कुछ दिन ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। बहुत आसान है, बहुत सरल तरीका है। दोस्तों, जब हम ये ब्रीदिंग क्रिया करते हैं, जॉइंट्स को इस प्रकार से मूव करते हैं, जब जॉइंट्स के अंदर कार्बोनिक एसिड जम जाता है, यानी कि जॉइंट्स के अंदर अगर कार्बोनिक एसिड जम जाता है तो जॉइंट्स पेन हो जाता है।
जब हम इस प्रकार से उनको यहां से मूव करते हैं तो, और उसके बाद हम ब्रीदिंग क्रिया करते हैं, तो कार्बोनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारी ब्रीदिंग के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है और हमें जो जॉइंट्स पेन हो रहा है उसमें इमीडिएटली रिलीफ देखने को मिलता है। तो आप ये ट्राई जरूर करें, और आप जो काफी दिन से इस बीमारी से पीड़ित थे, आपको दर्द में आराम नहीं मिल रहा था, तो आपको केवल ये क्रिया करने मात्र से बहुत लाभ मिलने वाला है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।